आज हम बात करेंगे धनतेरस की, क्योंकि बाजारों में भीड़ रही, आज लोग खरीदारी करते रहे। दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत में शायद बड़े धमाके की तैयारी भी हो रही है। अजीत पवार ने दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। दिल्ली आने से पहले वो चाचा शरद पवार से भी मिले हैं। मुंबई वाले धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं, दिवाली की तैयारियां भी जोरों पर है। त्योहार की खुमारी के बीच सियासी गहमा गहमी भी तेज है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली में हैं, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी हैं। दोनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये दिवाली वाली मुलाकात है, लेकिन दिलचस्प है कि इस मुलाकात की जानकारी पवार परिवार के लोगों को भी नहीं है। दादा थोड़ा सा लवकर निघून गेले बघितलं तर काय म्हणजे दादा बाहेर गेले? नाही दादाला दिल्लीला गेले। दादा अमित शाहना भेटण्याची शक्यता आहे रात्री एनडीएच्या घटक पक्षांची काय महत्त्वाची भेट आहे त्याची मला माहिती नाही बाबा, त्याची खरंच मला माहिती नाही। खूपच प्रदूषण असल्यामुळे दादानी काळजी घ्यायला पाहिजे बाबा। नाही सगळ्याच दिल्लीकरांनी, जो दिल्लीला जाईल पण राहतो पण, म्हणून तर शाळा बंद आहेत। कुणाला भेटायचं कुणाला याची पण खबरदारी घ्या। ते नाही बाबा मला माहिती, मला प्रदूषणाच्या हवेबद्दल माहिती आहे, कारण का दिल्लीला शाळा बंद आहेत। सुप्रिया सुले ने क्या बताया और क्या छिपाया ये तो वही जानती है, लेकिन दुनिया जानती है कि आज दिल्ली आने से पहले शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई। दिवाली मिलन कार्यक्रम में चाचा और भतीजे मिले हैं, क्योंकि त्योहार के वक्त पूरा परिवार एक साथ होता है। दर वर्षी बारामतीला पूर्ण फॅमिली जमते, पण प्रताप पवारांच्या ज्या मिसेस आहेत त्यांची तब्येत ह्या वर्षी बरी नाही आहे, त्याच्यामुळे ही फॅमिली ह्या वर्षी सगळे 5 दिवस बारामतीला येणार नाही आहे। त्याच्यामुळे काकींसाठी आम्ही एक स्पेशल गेट टुगेदर पुण्याला ठेवला होता, आणि त्याच्यामुळे काकी येऊ शकत नाहीत बारामतीला सगळे दिवस, म्हणून हा आजचा गेट टुगेदर, आमच्या दिवाळीची सुरुवात आज प्रताप पवारांच्या घरातून झाली। अजित पवार चाचा से भी मिल रहे हैं और बीजेपी के दिग्गजों से भी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि असली एनसीपी किसकी है, और शायद शरद पवार भी परेशान नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव आयोग के रवैये पर हैरानी हो रही है। संजय राउत कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर भी पूछिए तो बता देंगे कि शिवसेना किसकी पार्टी है। अगर आप पाकिस्तान में जाकर पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है तो पाकिस्तान वाले कहेंगे शिवसेना ठाकरे साहब की है, बालासाहेब ठाकरे उद्धव। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं कि शिवसेना किसकी, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है शिवसेना किसकी, ठाकरे साहब। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई एकनाथ शिंदे है, उनके पास 40 MLA है, वो शिवसेना के मालिक है। वैसा ही है पवार साहब के साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया है पवार साहब ने। जब सुनवाई चल रही है तो पवार साहब सामने बैठे रहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसने पार्टी बनाई वो सामने बैठे है, और फिर भी इलेक्शन कमीशन को ये शंका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी। महाराष्ट्र की सियासत बेहद दिलचस्प है। दो बड़े नेताओं ने अपनी पार्टियों में बगावत देखी और दोनों को अब असली पार्टी के अध्यक्ष साबित होने का इंतजार है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।